हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मस्ट वॉच मूवी फन विद डिक एंड जेन को। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि जिम कैरी की एक्टिंग हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सने। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स डिक को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी ग्लोबरडाइन में काम करता है। उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है जेन और उसका एक बेटा होता है। साथ ही में उनके घर में एक सर्वेंट भी काम करती है जिसका नाम होता है ब्लैंका। यहाँ जब डिक अपने ऑफिस पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन के साथ ही उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और उसे अपनी कंपनी का VC बना दिया गया है। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और घर जा करके अपनी वाइफ को बताता है। जेन भी एक जगह पर जॉब करती थी पर वो जॉब उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, तो अब डिक उससे बोलता है कि वो जॉब छोड़ सकती है क्योंकि उसकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी तो उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में वो उस कंपनी के ओनर के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है जिस कंपनी के ओनर का नाम होता है जैक और उस कंपनी के CEO का नाम होता है फ्रैंक। यहाँ पर जैक उससे बोलता है कि कल एक इंटरव्यू में उसे कंपनी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स के बारे में बात करनी होगी। डिक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पर अब यहाँ पर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि जैक ने अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए हैं और उसका शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। डिक इस सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत सही से नहीं दे पाता है और ये इंटरव्यू फ्लॉप हो जाता है। अब यहाँ से जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तब हर जगह भगदड़ मची होती है क्योंकि उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पर उसे फ्रैंक बताता है कि असल में उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था पर उन्होंने पेपर्स में कुछ फेर बदल और घपला करके ऐसा दिखाया कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा हाई थे और धीरे धीरे करके जेन ने वो सारे शेयर्स हाई प्राइस में सेल कर दिए। लेकिन अब क्योंकि उनका सारा पर्दाफाश हो चुका है तो अब सभी को पता है कि कंपनी असल में घाटे में थी और अब सभी शेयर के प्राइस गिर करके 0% हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जैक को तो इस सब से $400 मिलियन का फायदा हुआ है और बाकी सभी लोग डूब गए। ये कंपनी एकदम से बंद हो जाती है और इस कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हो जाता है। अब जब डिक यहाँ से वापस अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जेन ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि उसे अभी तक उसकी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब डिक यहाँ पर उसे बता देता है कि उसकी जॉब चली गई है, पर इसके बाद भी जेन उसे सपोर्ट करती है और फिर डिक यहाँ से एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगता है पर काफ़ी मन तक ट्राई करने के बाद भी उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है। यहाँ उन्होंने नया नया जो घर खरीदा था उन्होंने उसके सामने ग्रास भी लगवाई थी, पर यहाँ पर क्योंकि वो ग्रास का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो वो ग्रास वाले आकर सारी ग्रास उखाड़ ले जाते हैं। अब यहाँ पर डिक को कोई भी बड़ी जॉब नहीं मिलती है तो वो मॉल में छोटी सी जॉब करता है, पर इस जॉब से भी उसे निकाल दिया जाता है और साथ में जेन भी एक जिम में जॉब करती है और वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। दोनों इतने ज़्यादा जॉबलेस होते हैं कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी सर्वेंट को भी पैसे पे कर सके, तो वो अपनी सर्वेंट को अपने घर का सारा सामान दे देते हैं सैलरी देने के बदले में। साथ में वो अपनी नई कार को सेल करके उसकी जगह पे एक पुरानी और बेकार सी कार को ले लेते हैं। वो बहुत ही सस्ता फ्री में मिलने वाला खाना खाते हैं और दूसरों के गार्डन में निकलने वाले स्प्रे से नहाते हैं। वैसे ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर सारी सामान बेचते बेचते एंड में आकर के उनका पूरा घर ही खाली हो जाता है और अब उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो अब यहाँ पर ब्लैंका उनकी हेल्प करती है, वो कहती है कि वो लेबर का काम कर सकता है। तो अब यहाँ से डिक उस जगह पे जाता है जहाँ पर लेबर्स को लिया जाता है, पर यहाँ पर एक आदमी उसको मुक्का मार देता है और खुद ही कार में चढ़ जाता है और इस तरह से उसे यहाँ पर भी काम नहीं मिलता है। यहाँ पर गिरते वक्त उसका वॉलेट गिर जाता है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जहाँ पर उस सभी का ID मांग रही थी। अब क्योंकि डिक के पास उसका वॉलेट नहीं था तो वो ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि वह अमेरिकन है और इसीलिए उसे जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जेन यहाँ पर कुछ पैसों के लिए एक ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट में शामिल हो जाती है जहाँ पर वो किसी ड्रग को टेस्ट करने वाले थे। यहाँ पर 70% लोगों के ऊपर तो वो ड्रग्स अच्छे से काम करती है पर 30% लोगों को उससे साइड इफेक्ट हो जाते हैं और जेन भी उनमें से एक होती है। उसके पूरे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है और इसके बाद उसे डिक का कॉल आता है। डिक उसे सारी बातें बता देता है तो अब वो कार से डिक को लेने के लिए जाती है।
यहाँ पर डिक जैसे ही उसकी कार को देखता है, वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ जेल को पार करके भागने लगता है और वो लोग यहाँ से जैसे तैसे भागते हुए घर वापस पहुँचते हैं। यहाँ से घर जाकर के डिक अपने गार्डन को देखता है जो कि बुरी तरह से उजड़ा हुआ था और अब फाइनली उसे समझ में आ चुका था कि वो अच्छाई के रास्ते पे चलते चलते कितना कुछ झेल चुका है और अब उसे बुराई का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो वो एक चाकू लेता है और आधी रात में जाकर अलग अलग घरों से घास उखाड़ने लगता है। वो सारी घास ला करके अपने गार्डन में लगा देता है, जिसे देख करके उसकी वाइफ को खुशी होती है। अब यहाँ सुबह सुबह उसे एक लेटर आता है जिसमें उसे पता चलता है कि अगर उसने 24 घंटे में अपने घर का लोन नहीं भरा तो फिर उसका घर भी ले लिया जाएगा और अब उसकी ज़िंदगी में बस एक घर ही बचा होता है। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए वो चोरी करने का प्लान करता है, पर उसकी वाइफ को ये सब कुछ मजाक लग रहा था तो वो भी उसके लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक मॉल के सामने जाते हैं जहाँ पर जेन कार चलाने के लिए रेडी होती है और डिक अंदर चोरी करने के लिए जाता है। उसके पास में उसके बच्चे की नकली गन होती है जिसे लेकर के वो अंदर तो जाता है पर कुछ भी चुरा नहीं पाता है। ऐसा उसके साथ 2-3 जगह पे होता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चोर नहीं होता है। पर अब यहाँ पर वो सच में एक शॉप के सामने चला जाता है और शॉपकीपर को गन दिखाता है। बाहर से जब उसकी वाइफ देखती है कि डिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है तो वो अंदर जा करके उसको रोकने लगती है। अब डिक उसे बताता है कि अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा और ये सुनते ही उसकी वाइफ भी उसका सपोर्ट करने लगती है और वो दोनों मिल करके उस शॉपकीपर को लूट लेते हैं। अब यहाँ से उन्हें समझ में आता है कि वो अब तक अच्छाई के रास्ते पर चल रहे थे और उन्हें हर चीज़ बुरी मिली और अब यहाँ से अगर वो चीटिंग करते हैं तो उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, तो वो यहाँ से चीटिंग करने का ही रास्ता अपना लेते हैं। वो दोनों ही चोर बन जाते हैं और अब वो अलग अलग लोगों को लूटने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके उनका घर वापस से भरने लगता है, उनका गार्डन अच्छा हो जाता है, उनका घर पहले जैसा हो जाता है और उनकी लाइफ सेट चलने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग एक बैंक के सामने जाते हैं जो कि उनकी आखिरी चोरी होने वाली थी। यहाँ पर वो एक साथ काफ़ी सारे पैसे चुरा लेते हैं। यहाँ पर जेन रूप बदल के अंदर जाती है और ज़मीन पर गिर करके सबको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका फ़ायदा उठा करके डिक के गार्ड से उसका कार्ड ले लेता है और आगे जाकर के वो खुद को एक ऑफिसर बताता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो पैसे चुराने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दूसरे रॉबर्स भी आ जाते हैं। अब तक जेन बाहर निकल चुकी थी और वो कार में थी। अंदर दूसरे रॉबर रॉबरी करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लिया जाता है। पर डिक तब तक उस रूम से बाहर निकल आया था तो वो लोग उसे भी एक कॉमन इंसान ही समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और ये लोग जो कि चोरी कर रहे थे वो लोग भी पहले ग्लोबोडाइन कंपनी में ही काम करते थे और अब क्योंकि उन्हें भी काम नहीं मिला तो उन्होंने भी रॉबरी शुरू कर दी थी। अब धीरे धीरे करके न्यूज़ में वो सभी लोग पकड़े जा रहे थे जो कि पहले ग्लोबोडाइन कंपनी में काम करते थे और बाद में जॉबलेस होने के बाद उन्होंने चोरी करना, अफीम उगाना ये सब कुछ शुरू कर दिया था। यहाँ पर फ्रैंक को भी 18 मंथ की सज़ा होती है और साथ ही में अगला नाम डिक का होता है। डिक को यह सुनकर के झटका लगता है क्योंकि जैक ने ही उसे फंसाया था और अब डिक खुद ही जेल जाने वाला था। इस बात से परेशान होकर के वो एक बार में जाता है कि तभी वो वहाँ पर फ्रैंक को देखता है तो वो उसे पकड़ के बहुत पीटता है और फ्रैंक उसे बताता है कि उसे भी सज़ा होने वाली है और उसे थोड़े से पैसे भी मिले हैं अपना मुँह बंद रखने के लिए। फ्रैंक उसे बता देता है कि ये सारा प्लान जैक का था और उसने जानबूझ करके अपने सारे शेयर सेल कर दिए थे क्योंकि उसे पता था कि उसकी कंपनी डूबने वाली है। पर वो बोलता है कि उनके पास एक रास्ता है। वो बताता है कि जैक ने अपने पास सारे पैसे बॉन्ड के फॉर्म में रखे हैं और वो क्योंकि टैक्स से बचना चाहता है और गवर्नमेंट को चूना लगाना चाहता है, इसीलिए वो बॉन्ड में किए हुए सारे पैसे एक ऐसी बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा जो कि लोगों के इसी टाइप के काले धन को रखने के लिए जानी जाती है। और उस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर ऐसा है कि उसे एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें उसका अकाउंट नंबर दिया होगा और वहां पर उसका साइन करने के बाद सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहां पर फ्रैंक का प्लान होता है कि जेन वहां पर जाएगी और उस फॉर्म को बदल देगी फ्रैंक के फॉर्म से, जिसकी वजह से सारे पैसे फ्रैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उनका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रैंक उन्हें वो फॉर्म देता है जिसे कि जेन को एक्सचेंज करना है, पर यहाँ पर डिक गलती से वो फॉर्म घुमा देता है तो अब उन्हें एक नया फॉर्म चाहिए होगा जो कि अंदर से ही मिल सकता है। तो यहाँ पर डिक और जेन दोनों ही बैंक के अंदर जाते हैं उसी वक्त में जब वहाँ पर जैक भी आया होता है। यहाँ पर जेन जाकर के जैक से बात करने लगती है और वो उसे बिजी रखती है ताकि वो जल्दी से उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए ना जाए।
दूसरी तरफ जैक यहाँ पर उस काउंटर पे पहुँचता है जहाँ से वो फॉर्म प्रिंट किए जाते हैं। यहाँ पर वो एक ऑफिसर बन करके उसी लेडी को कॉल करता है जो कि उसी काउंटर पे बैठी होती है। वो उससे बोलता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और वो आकर के अपनी कार को कलेक्ट कर ले। तो वो लेडी जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगती है और उसकी डेस्क खाली होते ही डिक वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब डिक यहाँ पर जल्दी से उसके डेस्क पे जाता है और प्रिंट आउट निकाल लेता है। इसके बाद वो एक दूसरे एम्प्लॉय के पास जा कर के उस पर स्टैम्प भी लगवा देता है। पर अब जब वो यहाँ से मुड़ता है तो उसके सामने जैक होता है। वो जैक से यहाँ पर उसकी तारीफें कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो जेन के पास जाता है और वो दोनों ही फॉर्म एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि जेन के पास इस वक्त जैक का फॉर्म होता है जो कि उसने उसी के एक एम्प्लॉय से लड़ करके ले लिया होता है। पर अब जैक यहाँ पर उनकी ऐसी हरकतें देख करके सब कुछ समझ गया होता है। वो ऑफिस के अंदर तो जाता है पर वो साइन नहीं करता और उस फॉर्म को हटाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देख लिया था जो कि वहाँ पर अलग था, क्योंकि उस पेपर पे तो फ्रैंक के बैंक अकाउंट का नंबर लिखा हुआ था। अब वो यहाँ से बाहर निकलता है और डिक के पास में जाता है। वो डिक को धमकी देता है कि वो वहाँ से निकल जाए वरना वो पुलिस को बुला करके उसे पकड़वा देगा। तो अब डिक यहाँ पर अपनी वही नकली गन उसे दिखाता है और कहता है कि वो खाली हाथ तो नहीं निकलेगा। इस वक्त डिक की आंखों में आंसू होते हैं और उसे साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा निराश है। वो कहता है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा और उसे कुछ तो चाहिए, और वो यहाँ पर जैक को एक चेक साइन करने के लिए बोलता है। जेन उसे बताती है कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे जाते ही वो चेक को कैंसिल करा देगा। पर अब डिक बोलता है कि भले ही वो कैंसिल करा दे पर फिर भी वो कुछ तो लेकर के जाएगा ही। तो अब जैक यहाँ पर उसे $100 का चेक साइन करके दे देता है ये बोलते हुए कि इतनी उसकी औकात है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। पर अब डिक यहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि फाइनली अब उसके पास जैक का सिग्नेचर आ चुका होता है और यहाँ पर जेन के पास वही फॉर्म होता है जिसे कि उसने एक्सचेंज किया था, जिस पर जैक का बैंक अकाउंट नंबर था और वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए था। यहाँ पर जेन एक अच्छी आर्टिस्ट भी होती है तो वो इजीली उस साइन को कॉपी कर लेती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जैक के घर में, जहाँ पर उसके सामने बहुत सारी मीडिया खड़ी होती है और मीडिया को अभी अभी पता चला होता है कि जैक ने अपने पूरे $400 मिलियन से उन लोगों को पेंशन फंड दे दिया है जो कि उसकी कंपनी से निकाले गए थे। और अब इतनी सारी मीडिया के सामने जैक कुछ भी नहीं कर पाता है और उसे ऐसा बोलना पड़ता है कि उसी ने ऐसा करा है। और फाइनली वो सभी लोग खुश हो जाते हैं जिसको उसने धोखा दिया था, और उसकी वजह से वो लोग अलग अलग तरह के जुर्म करने लग रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।